दोस्तों हमारा चैनल अपना बगदादी नेटवर्क सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा लें। फैक्ट्रियों का मालिक, कारखानों का मालिक, इन लोग बीमार हो गया, दिल में सुराख हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तेरे दिल में इतना बड़ा सुराख है, सर्जरी से भी अच्छा नहीं हो सकता, ऑपरेशन से भी अच्छा नहीं हो सकता, घर चला जा, जो चाहे खाना जो चाहे पीना, आज के बाद में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आना, ये मरीज अपने घर चला गया, बिस्तर पे पड़ा पड़ा सुहाता रहता, आप सुनना नहीं चाहते तो मैं आपसे पहले सही साहब ने ये कह दिया कि जल्द से जल्द पी जाना, यही कोई तरीका है तुम्हारा, इसलिए मैं कमेटी वालों से कह रहा था तकलीफ टाइम से करा, मुझे बहुत बुरा लगता है आदमी को किया गया, दिल से तकलीफ कर रहा हूँ, आप सुनने को तो ये डेढ़ घंटा मेरी तकलीफ होगी, सुनना सुनो एक मिनट आकर बताऊंगा, तकलीफ नहीं, डेढ़ घंटा मेरी तकलीफ होगी, डेढ़ घंटा तकलीफ होती है जैसे मेरे से पढ़ने होती है, जी मामला जी पे बेवकूफी है, हम तकलीफ कर रहे जिसका दिल कर रहा उठते चला जा रहा, बात सुनो तुम सुनो मेरी, तो मैं बेवकूफ दीवाना मशीनरी थोड़ी नहीं, मैं डैग थोड़ी तो बैठे तो आज बचती रहेगी, इंसान सुनाऊंगा डैग नहीं हूं मैं जी, तो कोई सुनना जब बज रही है नहीं सुनना जब बज रही है, अगर सुनना तो सुनिए वरना तकलीफ यही खत्म कर दूंगा, बताइए सुनना चाहते हैं नहीं चाहते, सुनना चाहते तो सुनिए, बस एक डेढ़ घंटा तकलीफ होगी सुनेंगे तो आप ब्राह्मण बनाऊंगा, वो बातें बता रहा हूँ, अमल कर लिया तो खुदा की कसम जिंदगी बन जाएगी, बेशक यार आज हमारे माशरे में ये बड़ी परेशानियां, आदमी दवा को तो ढूंढ रहा मगर मिलते कहां से हो रही है, इस चीज पे नहीं जा रहा, डॉक्टर ने कह दिया घर चला जा, दिल का सुराख अच्छा नहीं हो सकता, तेरे दिल में सुराख हो गया, घर रो रहा था बिस्तर पर, घर वाले बड़े दूर होता कि नहीं, कोई बहुत हमें बदार जा रहा था, सब्जियां लाता था, गोश्त लाता था, आप बनाते थे मैं भी खाता था, आप भी खाते थे, लेकिन आज पड़ा हूं बाजार का भी नहीं चाहता, काश बाजार चला जाता, घर वालों जो होते हैं ना अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी तमन्ना पूरी करने की कोशिश करते हैं, घर वालों ने सहारा दिया, बोले नहीं कोई बात नहीं आज मेरी तमन्ना फिर पूरी करेंगे, घर वाले सहारा देकर बाजार ले गए, जो दिल का है वो खरीदना, हम तुझे सहारा दे के लिए चल रहे, बोले मुझे गोश्त वाली की दुकान पे ले जाओ, कसाई की दुकान पे जाकर खड़ा कर दिया, ये लोगों को गोश्त खरीदना चाहता था, आंख उठा के देखा एक बुर्का ओढ़ के खातून अपने कपड़े के थैले में गोश्त के छिछड़े और पट्ठों को जमा कर रही थी, जिसको कसाई फेंक देता खराब समझ कर, इससे रहा ना गया, ये बीमार आदमी अपने घर वालों से बोला पहले गोश्त बाद में लूंगा, पहले उस खातून को बुलाओ कि जो ये खराब गोश्त को अपने थैले में जमा कर रही है, इसके घर वाले उस खातून के पास पहुंचे और जाकर के कहा एक बात हमारे इस बीमार की सुन ले, ये खातून अपने आप को खड़ा किया और खड़ा करके चल के आई, बुर्के में है चेहरे पे नकाब लगा है, आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी भाई क्यों बुलाया है, कहा बहन इसलिए बुलाया है जिस गोश्त को तू अपने थैले में जमा कर रही है इसे तो कुत्ते और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, मेरी बहन इस खराब गोश्त को क्यों इकट्ठा कर रही है, ये तो फेंकने के काबिल होता है, इतना कहना था इस औरत की आंखों में आंसू आ गए, इस खातून की आंखों में आंसू आ गए, ये बीमार बोला मेरी बहन मैंने तुझे गाली तो नहीं दी है, मेरी बहन मैंने तुझे बुरा तो नहीं कहा, मेरी बहन मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि तूने ये गोश्त क्यों इकट्ठा किया है, तो कहने लगी भाई मैं आपकी वजह से नहीं रोई, मुझे मेरी मुफलिसी याद आ गई, कहा बहन बात क्या है, तो ये औरत बयान करने लगी भाई मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं एक गरीब खातून, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात मेरे पड़ोस का बच्चा मेरे बच्चों के साथ खेलने आ गया, पड़ोस के बच्चे ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया हमारे भाई, हम रात अपने घर गोश्त खाते आए बड़ा मजा होता, मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया, माँ हमें भी गोश्त चाहिए, मेरे बच्चों को क्या पता कि माँ के पास इतना पैसा नहीं कि गोश्त खिला सके, माँ का इतना असासा नहीं कि गोश्त खिला सके, पूरी रात मेरे बच्चों ने मेरे भाई मुझे सोने नहीं दिया, गोश्त चाहिए गोश्त, मेरे भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि गोश्त खरीद के खिला देती, इसलिए ये खराब गोश्त इकट्ठा करके ले जाऊंगी, इसी को पका के खिला दूंगी, मेरे बच्चे खाकर सो जाएंगे, उन्हें क्या पता अच्छा गोश्त क्या होता खराब गोश्त क्या होता,
अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी बर्फी ना खाई हो? बर्फी कभी ना खाई हो? और गुड़ भी कभी ना खाया हो? और आपको कोई गुड़ दे देगा ये बर्फी आप खा लोगे ना? आपने देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। तब मेरे बच्चों ने कभी अच्छा गोश्त खाया नहीं भाई, मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं चोरी कर नहीं सकती, तो मैंने ये गोश्त सोचा उठा के ले जाऊंगी और पका के खिला दूंगी, मेरे बच्चे खा के सो जाएंगे, बेटा यही गोश्त होता। यार ये अमीर जरूर था, इसके दिल में सुराख हो गया, इसने सोचा मुझे तो जिंदगी है कि नहीं, इसी आज मर जाऊं कल मर जाऊं, मेरी तो जिंदगी का आखिरी दिन चल रहा है। बोला बहन गोश्त ले ले जितना तुझे चाहिए, इसे फेंक। कहने लगी भाई पैसा कौन देगा? कहा तेरा पैसा मैं दूंगा। कहने लगी तब भी नहीं खरीदूंगी। कहा क्यों? कहा आज तो मेरे पैसे आप दे देंगे लेकिन मेरे बच्चों ने कल को जिद कर लिया तो खराब वाला भी नहीं खाएंगे, इसलिए अच्छा खा चुके होंगे। जी क्या बात है, और कौन देगा? तो इस अमीर ने क्या जवाब दिया है मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया और अच्छा खाना खाते हो ना तो किसी गरीब को अपने खाने में जरूर शामिल कर लिया करो। अगर तुम्हारे घर में अच्छी हांडी बनती है ना तो अपने गरीब पड़ोसी को एक प्याला शोरबा जरूर दे दिया करो ताकि उसके बच्चे भी तेरी वजह से आज अच्छा सालन खा सके। मुसलमानों इसका नाम इस्लाम। ये मुसलमानों सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर तुम 5,000 का गर्म कपड़ा खरीद रहे हो ना तो 4,500 का खरीद कर 500 बचा के किसी गरीब को कंबल दिला देना, किसी गरीब को गर्म कपड़ा दिला देना। यार ये इस्लाम है। और ये भी ना कर सको जब तुम्हारे गर्म कपड़े ना पुराने जो तुम्हारे फेंकने के काबिल हो उन्हें मत फेंकना, जब रास्ते में निकला करो ना तो उन्हें थैले में रख लिया करो, अगर कहीं फुटपाथ पे कोई गरीब सर्दी में ठिठरता मिल जाए तो ये अपना पुराना कपड़ा इसे दे देना, इसके लिए यही जिंदगी का बचाव बन जाएगा। इस्लाम है मुसलमानों, हम गलतियां करो लोगों का दर्द अपने सीने में पैदा करो, इसका नाम इस्लाम है। ये अमीर बोला बहन आज गोश खरीद ले, आज के बाद जब जब जरूरत पड़ा करे इस दुकान से आके ले जाया करना, मेरी बहन इससे कह दिया करना, इसके रजिस्टर में नाम लिखा दिया करना, महीने में जब तक मैं जिंदा रहूंगा हिसाब मैं करता रहूंगा, मैं इंतकाल कर गया बच्चों से कह जाऊंगा वो तेरे गोश का हिसाब कर दिया करेंगे। इस शर्त में खातून ने गोश खरीद लिया और गोश खरीदने के बाद खातून घर चली गई और अच्छे से बना के जब बच्चों को खिलाया ना तो इन्होंने तो कभी खाया ही नहीं था, जैसे गोश्त का लुकमा हलक के अंदर गया, बच्चों की खुशी में आंखों में आंसू आ गए। माँ इतना लजीज खाना तो कभी ना खिलाया था तूने, वाकई गोश्त मजा होता है। माँ कभी तुम सूखे टुकड़े खिलाती थी, लोगों के बर्तन जब साफ करने जाती थी माँ जो बचा होता था वो ही लाती थी, वो ही खाते थे हम आज तक, लेकिन आज तो बड़ा लजीज खिलाया। कहा मेरे बच्चों ये तुम्हारी माँ ने नहीं, किसी अमीर का सदका लाई हूं, किसी अमीर के पैसे से दिलाया हुआ लाई हूं। तो बच्चे फिर हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, मौला जिसने हमारी माँ को हमारे लिए गोश्त खरीद के दिया है मौला उसकी बीमारियां दूर कर दे, मौला जिसने हमारे घर का चूल्हा जलाया उसके दिल की तकलीफ दूर कर दे। दवाएं होती है खरीद की, दुआएं होती है, इधर बच्चों ने दुआ करी रब की रहमत का कर्म हुआ, इधर से दुआ हो रही थी इधर से इसके लिए शिफा हो रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हें 4 पैसे दे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा घर उठा के दे देना, लेकिन अगर तू अपने 100 रुपया 200 रुपया से किसी गरीब को अच्छा खाना खिला दे तो खुदा की कसम तू गरीब ना होगा, तेरी वजह से उसे आज अच्छा खाना मिलता है। ये होटलों में दोस्तों को जाकर पार्टियां करने वालों सुनो, अगर दोस्तों की पार्टियां होटलों में करते हो तो किसी गरीब को भी पकड़ के ले जाया, तेरी पार्टी में वो गरीब भी शामिल होकर आज अच्छा खाना खा लेगा। बहुत से आदमी इतना कीमती जुब्बा पहनते थे बादशाह भी नहीं पहनता, किसी ने पूछा हुजूर इतना कीमती क्यों पहनते, फरमाया इसलिए पहनता हूँ, एक बार पहनता हूँ दोबारा नहीं पहनता,
ایک بار پہن کے غریب کو صدقہ کر دیتا ہوں، میری وجہ سے غریبوں کو قیمتی کپڑا پہننے مل جاتا ہے۔ اب روزانہ گوشت آ رہا، بچے کھا رہے دعا کر رہے ہیں، روزانہ گوشت آ رہا، بچے آ رہے کھا رہے دعا کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں ڈاکٹر نے کہا تھا ایک مہینے میں اس کے دل کا سوراخ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ مر جائے گا، لیکن نبی کی حدیث کو کہاں ڈالو گے؟ نبی فرماتے ہیں صدقہ کرو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، روز چل رہا تھا، آج غریب کا روز چولہا جلایا جا رہا تھا، آج غریب کا دسترخوان روز سجایا جا رہا تھا، غریب بچوں کی روز دعائیں مل رہی تھی۔ جب ایک مہینہ گزرا، کبھی سے مرنے کا ٹائم قریب آیا، تاریخ گواہ ہے امیر مرا نہیں، اچھا ہو کے بستر سے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہو گھر والے بولے کو اچھا ہو گیا، یہ تو حیرت ہو گئی، مرنا تھا لیکن یہ تو زندگی دوبارہ مل گئی، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھو تو، رپورٹ تو کراؤ، ڈاکٹر کے پاس تو چلو۔ اسی ڈاکٹر کے پاس آیا جس نے سراغ بتا کے ایک مہینے کی لمٹ دی تھی، جا کے نمبر لگایا، پرچہ بنوایا، ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کے دل کا چیک اپ کیا، ڈاکٹر بولا کیسے آنا ہوا؟ بولے دل میں سوراخ ہے۔ ڈاکٹر بولا جھوٹ کہہ رہے ہو، دل تو بالکل صاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا یار، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاف ہے، کہا ڈاکٹر صاحب دوبارہ تو دیکھ لو۔ بولے ڈاکٹر میں ہوں کہ تم؟ اچھا ڈاکٹر پہچان پایا نہیں تھا، یہ وہی مریض ہے جس کو میں نے ایک مہینے کے لمٹ دے کے بھیجا تھا۔ جی اس نے تھیلے سے پرانی والی رپورٹ نکالی، بولا دیکھیے تیری والی ہے، یہ کسی کو ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھا تو دونوں اس کی دستخط بھی اس کا اور بھی اس کی، اس کے ہاسپٹل کا پتا، ڈاکٹر چکر میں پڑ گیا، اس میں سوراخ، یہ بالکل صاف۔ سننا ہے مجھے؟ سننا اگر سن رہے ہو تو آج کے بعد سب کا دور شروع کر دیے، لال مال ان شاء اللہ سب کا یہ ہوتا ہے جتنا ہو سکتا ہے غریب نہ پائے، بس یہی سب، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا دینا جتنا ہو سکے دے، زیادہ کا موقع زیادہ دے دے، تھوڑے کا موقع تھوڑا، اور دینا ذرا چپکے دکھا کے مت، جی ورنہ ہو گیا رہا کہ ایک مریض کو نا اسپتال میں ایک نیتا جی کیلا دے رہے ہیں تو چار لوگ ایک کیلا پکڑ کر مریض کو دے رہے ہیں، وہ تو دلوا کر اس طرح کرتے چپکے دے دے، ایک آگ دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو، ذہنی مت جی چپکے سے اپنے اپنے کسی پڑوسی کو مت کرے چپکے، جس کی مدد کرنا کرے اللہ جانتا ہے تمہیں مدد کرے اس کا اجر ہے۔ اللہ اللہ، ڈاکٹر نے کہا قریب آ جا، دونوں رپورٹوں کو پھاڑ کے ڈاکٹر نے پھینک کے ڈبے میں ڈال دیا، اور اس سے بولا یہ بتا، اب رپورٹ پہ بحث نہیں کرنا، مجھے یہ بتا کہ کس ڈاکٹر کا نسخہ کھا کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کا نسخہ کھا کے آیا ہے؟ اب مجھے یہ بتا کہ کس ہاسپٹل میں علاج کرا کے آیا ہے؟ اب مجھے یہ بتا کس ڈاکٹر سے دوا لے کے آیا ہے؟ مجھے ذرا اس کا نام بتا دے۔ ارے باقی تیرے دل میں سوراخ تھا، کسی سرجری سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا، کسی دوا سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا، یہ کہاں سے اچھا ہو گیا؟ تو ڈاکٹر سے اس مریض نے جواب دیا، اب نسخہ